हाल के लोकसभा चुनाव में परिणामों ने एक बार फिर ये दिखा दिया है कि वर्तमान दलित राजनीति विफल हो गई है। इसका सबसे बड़ा उदाहरण उत्तर प्रदेश में बहुजन समाज पार्टी यानी कि बसपा है, जिसकी मुखिया मायावती चुनाव परिणाम आने से एक दिन पहले तक प्रधानमंत्री बनने की इच्छा जाहिर करती रही थी। परिणाम आने पर बसपा केवल 10 सीटें ही जीत सकी, जबकि चुनाव में महागठबंधन मोदी को हराने का दावा कर रहा था। बसपा की 10 सीटों की जीत पिछले चुनाव की अपेक्षा एक अच्छी उपलब्धि मानी जा सकती है, लेकिन महागठबंधन के चुनावी परिणामों ने इसकी विफलता भी दिखा दी है। इस चुनाव में एक बात फिर से उभर कर आई कि उत्तर भारत में, खास करके उत्तर प्रदेश में, मायावती का वोट बैंक बहुत सिमट गया है। उत्तर प्रदेश में वो केवल एक ही आरक्षित सीट जीत पाई है, जबकि बाकी सारी आरक्षित सीटें बीजेपी को चली गई हैं। इसका मुख्य कारण ये है कि पूर्व में दलितों की जो उपजातियां बसपा के साथ थीं, वे पिछले कई चुनाव में बसपा को छोड़कर बीजेपी के साथ चली गई हैं। ये इसलिए भी संभव हो पाया है कि बसपा की जाति की राजनीति के माध्यम से जिस तरह वे बसपा से जुड़ी थी, उसी सोशल इंजीनियरिंग का इस्तेमाल करके बीजेपी ने उनको तोड़ लिया है। एक तरफ जहां बसपा केवल एक जाति चमार जाटों की पार्टी के रूप में मजबूत हुई, वहीं दूसरी तरफ दूसरी उपजातियां पासी, वाल्मीकि, धोबी और खटिक प्रतिक्रिया में लामबद्ध होकर बीजेपी के साथ चली गईं। ऐसा इसलिए भी संभव हुआ क्योंकि मायावती ने इन उपजातियों को बसपा में उचित स्थान नहीं दिया। मायावती की अपने उत्तराधिकारी के एक चमार के ही होने वाली घोषणा ने भी इन जातियों को अपने अपने बारे में सोचने के लिए विवश किया। हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि जाति तोड़ने की व्यवस्था है, जोड़ने की नहीं। कांशी राम ने शुरू में बहुजन समाजवाद की जिस अवधारणा को प्रचारित किया था, उसमें सभी दलित जातियों को राजनीतिक स्तर पर एक समूह बनाने की बात की थी। उसमें दलित मुद्दों को राजनीतिक सत्ता के माध्यम से हल करने का नारा दिया गया था, लेकिन जैसे ही कांशी राम ने जाति की राजनीतियों को आगे बढ़ाने के लिए उपजातियों को अलग अलग उभारने और इस्तेमाल करने की कोशिश की, तो बहुजन का विघटन शुरू हो गया। इन उपजातियों और उनके नेताओं की महत्वाकांक्षाएं बलवती होने लगी और वे अपनी अपनी अस्मिता का इस्तेमाल सत्ता में हिस्सेदारी के लिए करने लगे। यहीं पर भारतीय जनता पार्टी ने उन्हें राजनीतिक सत्ता में हिस्सेदारी मिलने का अवसर देकर अपने साथ कर लिया और अब वे उससे बड़ी मजबूती के साथ जुड़ी हुई हैं। परिणाम ये हुआ कि अब बसपा केवल चमारों जाटवों तक ही सीमित होकर रह गई। इतना ही नहीं, चमारों जाटवों का भी एक हिस्सा मायावती की अवसरवादिता, भ्रष्टाचार और सिद्धांतिनता और दलित मुद्दों की घोर उपेक्षा से नाराज होकर बीजेपी के साथ चला गया। दलित राजनीति के विघटन के लिए वर्तमान राजनीतिक आरक्षण भी जिम्मेदार है। ये सर्वविदित है कि आरक्षित सीट पर सभी उम्मीदवार आरक्षित वर्ग के ही होते हैं, जिस कारण दलित वोट बंट जाता है और सवर्ण वोट निर्णायक हो जाता है। ऐसे में जिस पार्टी के पास सवर्ण वोट होता है, वो उस सीट को जीत जाती है, क्योंकि वर्तमान में सवर्ण वोट बीजेपी के पास है, अतः वही आरक्षित सीटें जीत जाती है। ऐसे में बीजेपी के लिए दलित उपजातियों को टिकट देकर जिताना और अपने साथ जोड़ लेना संभव हो सकता है। इसी फॉर्मूले से बीजेपी ने अति पिछड़ी जातियों को पहले बसपा सपा से जुड़ी थी भी बसपा सपा से अलग होकर बीजेपी के साथ चली गई हैं। बीजेपी के लिए दलित उपजातियों को बसपा से अलग करना इसलिए भी संभव हो सका क्योंकि ये जातियां अधिकतर कट्टर हिंदू हैं और उन्हें बीजेपी के बृहत हिंदुत्व से जुड़ने में कोई परेशानी नहीं है। इसी प्रकार अति पिछड़ी जातियों, जो कि पहले से ही हिंदुत्व की झंडा बरदार रही है, को भी बसपा सपा से अलग होकर बीजेपी के साथ जाने में कोई कठिनाई नहीं हुई। इसी कारण बीजेपी ने दलितों की छोटी उपजातियों और अति पिछड़ी जातियों को बृहद हिंदुत्व के छाते तले लामबंद करके अपने को मजबूत और बहुत ज्यादा मजबूत कर लिया। परिणाम स्वरूप बसपा, जो कि उत्तर भारत में दलितों की एक सशक्त राजनीतिक पार्टी के रूप में उभरी थी, अब केवल चमारों जाटों की पार्टी बनकर रह गई है और अपने पतन की ओर अग्रसर है। इसी प्रकार सामाजिक न्याय के नाम पर उभरी मुलायम सिंह की समाजवादी पार्टी भी केवल कुछ यादवों की पार्टी बनकर सिमट गई है, जो कि अपने आप पर बड़ा सवाल है कि क्या वाकई में जो राजनीति है उसकी विषाद में कहीं ना कहीं दलित राजनीति खोती जा रही है। क्या दलित राजनीति का जो अस्तित्व है वो खतरे में है? ये तमाम सवाल यहाँ पर खड़े हैं और इन्हीं सवालों के साथ लगातार उस वक्त का इंतजार है कि आखिर कौन होगा इनका कर्णधार। SPN 9 न्यूज के लिए शशि प्रिया सिंह की रिपोर्ट।